सब्सक्राइब करें नॉलेज ऑफ मेडिसिन चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दवाओं के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आइबुप्रोफेन एवं पारासीटामोल के कम्बिनेशन में आने वाली मेडिसिन के बारे में। हम जानेंगे कि इसके क्या क्या ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल जाती है। अगर हम इन दोनों दवाइयों के कंपोजिशन में आने वाली कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स की बात करते हैं तो उसमें आपका फ्लैक्सन टेबलेट, आइबू मैक प्लस टेबलेट, आईबीपी टेबलेट एवं एनस्वेल टेबलेट हैं। तो ये इनके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं जिस ब्रांड नेम से आप इसको जानते हैं, बट हो सकता है इसके अलावा आप किसी और ब्रांड नेम से इसको जानते हो जिसमें आपको आइबुप्रोफेन एवं पारासीटामोल कंपोजिशन में होता है। साथ ही साथ कई बार इसे हम इसके शॉर्ट नेम आइबुपारा मतलब आइबुपारा आइबुप्रोफेन एवं पारासीटामोल के नाम से भी कई बार जानते हैं। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आगे हम दोनों वीडियो में सीखेंगे कि आइबुप्रोफेन भी क्या है, पारासीटामोल क्या है, इन दोनों का कंपोजिशन में आता है तो यह किस किस प्रकार के प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए प्रयोग में दिया जाता है, क्या कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, क्या कुछ डोज होनी चाहिए। तो इन महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम सीख लेंगे। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि जो दवाओं की अधूरी जानकारी होती है वह काफ़ी घातक होती है। साथ ही साथ वीडियो को अभी से लाइक कर दें एवं चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मैं हूँ आपका दोस्त किशन। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आइबुप्रोफेन आपका एक NSAID मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की दवा है, जो कि आप इसे एज एक पेन किलर कह सकते हैं। या फिर पारासीटामोल की अगर हम बात करें तो यह आपका एंटी ग्रुप की दवा है जो कि फीवर रिड्यूसर का काम करती है। तो आप इसके यूजेज का भी आइडिया लगा सकते हैं। तो अगर हम इसके यूजेज को देखते हैं विस्तार से, तो यदि कोई व्यक्ति जिनको बहुत ही ज़्यादा फीवर आ रहा हो, उसका फीवर सिर्फ पारासीटामोल देने से रिड्यूस ना हो रहा हो, तब जाकर के डॉक्टर द्वारा आपको आइबुप्रोफेन के साथ में कॉम्बिनेशन में आने वाली मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति जिनको माइल्ड टू मॉडरेट पेन मतलब निम्न से उच्च स्तरीय अगर पेन हो रहा हो, तब जाकर के उसे ठीक करने के लिए भी आपको इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम माइल्ड टू मॉडरेट पेन की बात करते हैं जिसमें व्यक्ति को हेडक हो सकता है, मसल्स में दर्द हो सकता है, बॉडी में पेन हो सकता है, तो इन सारे कंडीशंस को भी ठीक करने के लिए आपको इस टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति जिनको आर्थराइटिस की समस्या हो या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो, जिसमें व्यक्ति के हड्डियों में पेन हो रहा हो, हड्डी के जॉइंट में स्टिफनेस लग रहा हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, उसके ट्रीटमेंट में भी दिया जाता है। इसका प्रयोग आपको डेंटल पेन को भी ठीक करने के लिए कई बार डॉक्टर देते हैं। साथ ही साथ महिलाओं के अंदर इसको पीरियड पेन मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान महिलाओं में पेन होता है, उसको भी रिड्यूस करने के लिए, ठीक करने के लिए आपको डॉक्टर द्वारा इस टेबलेट का प्रयोग लिया जाता है। तो ये थे कुछ इनके महत्वपूर्ण यूजेज दोस्तों जो हमने आपको बताया, बट हो सकता है इन यूजेज के अलावा डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर किसी और प्रकार के पेन किलर के तौर में या किसी और प्रकार के प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए इस दवा का प्रयोग करता हो। अब हम वीडियो में आगे जान लेते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। अगर हम इसके कुछ आइबुपारा के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले एक NSAID ग्रुप की दवा है, तो व्यक्ति को गैस्ट्रिक ग्रेशन हो सकता है, नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग भी हो सकता है, व्यक्ति के पेट में दर्द हो सकता है, स्किन पे रेसेज आ सकते हैं, स्टोमक डिस्कम्फर्ट सा लग सकता है, व्यक्ति के पेट में जलन हो सकता है, खट्टी ढकारे आ सकती है, सीने में भी जलन हो सकता है। तो ये इनके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है, बट हो सकता है इसके अलावा कोई अनवांटेड साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिले तो आप फर्दर इस दवा का प्रयोग बंद करें एवं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि वह जल्द से जल्द आपको दूसरी ट्रीटमेंट दे सके। अब साइड इफेक्ट जान लेने के बाद हम वीडियो में आगे जानते हैं दोस्तों इसके डोज के बारे में। अगर हम आइबुपारा के कुछ कॉमन डोज की बात करते हैं तो इसमें यदि कोई व्यक्ति जिनको इसमें से किसी भी प्रकार की समस्या हो रखी है, हम उसे दिन में एक टेबलेट दो बार प्रयोग में दे सकते हैं, इवन ज़्यादा जरूरत पड़ने पे तीन बार भी दिया जा सकता है। बट जो इसका मैक्सिमम डोज होता है वह 7 दिनों तक का होता है। आप 7 दिनों से ज़्यादा प्रयोग इसको ना लें, नहीं तो आपको हो सकता है फ्यूचर में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ जाए। यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों कि यदि आप इस टेबलेट का प्रयोग करते हैं तो खाना खाने के बाद करें, नहीं तो आपको गैस की समस्या हो सकती है। और साथ ही साथ यदि आप पार्टिकुलर आइबुप्रोफेन के बारे में सीखना चाहते हैं, पारासीटामोल के बारे में सीखना चाहते हैं, तो इससे पहले हमने वीडियो बना रखा है, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं।
अब वीडियो के लास्ट में हम जान लेते हैं दोस्तों इसके कुछ प्रिक्वेशंस और वार्निंग्स के बारे में, हमें क्या कुछ सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले, यदि कोई व्यक्ति जो कि NSAID ग्रुप की दवा से एलर्जिक रखता हो तो उसे हम नहीं दे सकते। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति जिनको लीवर, किडनी, हार्ट से रिलेटेड किसी प्रकार का समस्या है तब भी नहीं दिया जाता है। यदि आप इस टेबलेट का प्रयोग प्रेग्नेंट वुमेन या फिर ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के लिए कर रहे हैं तो आप OTC के रूप में ना करें। बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने पर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर आपको कोई और मेडिसिन दे देगा, बट आप इस टेबलेट का प्रयोग ना करें, नहीं तो आपको कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जब भी आइबुपारा टेबलेट का प्रयोग करें तो आप एल्कोहल का सेवन ना करें, नहीं तो आपको कुछ रिवर्स साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, यह था संपूर्ण डिटेल्स आपका आइबुप्रोफेन एवं पारासीटामोल के कॉम्बिनेशन में आने वाली मेडिसिन के बारे में, टेबलेट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो एवं बहुत कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी प्रकार के दवाइयों से संबंधित जानकारी का नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले मिलता रहे। तो मैं हूं आपका दोस्त किशन, तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।